तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं गर्ल्स कट ऑफ 2024। ठीक है, क्योंकि यूजीएससी में गर्ल्स का कट ऑफ क्या रहेगा, फिर बिहार इंजीनियरिंग में कितने परसेंटाइल पे आपको टॉप कॉलेज मिल सकता है, और कितने रैंक पे आपको सीएससी मिलेगा, कितने रैंक पे आपको सिविल मिलेगा, कितने रैंक पे आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगा, कितने रैंक पे आपको बिहार इंजीनियरिंग में ईसीई मिल जाएगा, और कितने रैंक पे आपको मैकेनिकल मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिहार इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, गर्ल्स का कटअप क्या रहेगा? अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, बिहार इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है, बिहार के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, तो अगर आपका जेई मेंस में 35% था, ठीक है, अगर आपका जेई मेंस में 35% था, या फिर आपका यूजीएससी में 8000 रैंक है, तो आपको आराम से कोई ना कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोई ना कोई कॉलेज में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप टॉप कॉलेज में सीएससी लेना चाहते हो, बिहार के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप सीएससी लेना चाहते हो, तो अगर आपका जेई मेंस परसेंटाइल 65% था, तो आपको जरूर कहीं ना कहीं टॉप 10 में सीएससी मिल जाएगा। ये सिर्फ गर्ल्स का है, और इतने कम परसेंटाइल पे गर्ल्स को कैसे मिल सकता है कंप्यूटर साइंस, सबके मन में होगा। देखो बाबू, इनका जो है ना 33% रिजर्वेशन है। ठीक है, रिजर्वेशन के कारण इनको मिल सकता है। और इनका एक और फैक्टर जो बहुत ज्यादा फायदा करेगा, वो आरसीजी कैटेगरी है। ठीक है, गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी, ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए गर्ल्स के लिए 35% जेई मेंस में है, या फिर यूजीएससी में 8000 रहेंगे, तो उनको बिहार के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में इजीली एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन टॉप 10 में अगर एडमिशन लेना है, तो 65% उनका रहना चाहिए जेई मेंस में, तो मिल जाएगा। ठीक है, जेई मेंस में अगर टॉप 10 में लेना है, तो 65% तो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो अगर आपका परसेंटाइल 35% है, तब बिहार के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपका यूजीएससी रैंक 8000 है, तो आपको मिल जाएगा कोई ना कोई बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग। लेकिन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना है, तो सेम आपका 65% रहना चाहिए। देखिए, जितना क्रेज सीएससी का है ना, उतना क्रेज सिविल का भी है। ठीक है, लोग को सीएससी नहीं मिलता है, उसके बाद सिविल ही लेता है। आई होप मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो बोल रहे थे कि भैया सीएससी नहीं मिलेगा तो मैं सिविल लूंगा। ठीक है, तो दोनों का कटअप थोड़ा मोड़ा सेम ही रहता है। ठीक है, तो अगर आपको सीएससी लेना है, तो 35% जेई मेंस होना चाहिए, और 8000 रैंक अगर आपका यूजीएससी है। अगर आप गर्ल्स हो, तो आपको 100% मिल जाएगा। और सिविल इंजीनियरिंग में भी 35% है, अगर आपका जेई मेंस में 8000 यूजीएससी रैंक है, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना है, तो 65% आपको होना चाहिए जेई मेंस में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि चलो सिविल नहीं मिला, इसी नहीं, कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, तो अगला ब्रांच कौन सा आपको लेना चाहिए? देखिए, अगला ब्रांच तो मेरे हिसाब से आपको इसी लेना चाहिए। गर्ल्स हो तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा आईटी सेक्टर में। ठीक है, अब इसी कितने परसेंटाइल पे बिहार के नए इंजीनियरिंग कॉलेज में, चाहे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेगा। देखो, अगर आपको बिहार के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको इसी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए ना, तो अगर आपका जेई मेंस में 1% भी है, तो आपको बिहार के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। जितने भी नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यूजीएससी की रैंक बात करें, तो जिन बच्चों का 13000 तक रैंक है, ठीक है, जिन बच्चों का 13000 तक रैंक है, वो बिहार के नई, मतलब कि नई इंजीनियरिंग कॉलेज में इसी ब्रांच ट्राई कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा। 100% मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं मिला, तो ये कंफर्म है मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस की स्थिति है ना, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे जेई मेंस बीसीसी मिलाकर मात्र 30 बच्चे ही आते हैं। टोटल 60 सीट रहते हैं सारे कॉलेज में, एक कॉलेज में 60 सीट रहता है एक ब्रांच का, मतलब कहीं कहीं 120 सीट भी रहता है। तो 60 सीट में से मात्र 30 ही सीट भरते हैं, 30 सीट खाली रह जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्राई करोगे, तो आपको 100% है कि इसी नए कॉलेजेस में मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसी में टॉप कॉलेज कितने परसेंटाइल पे मिलेगा बिहारी जेने में। तो अगर आपका 60% है जेई मेंस में, ठीक है, 60% है, तो आप टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में इसी ब्रांच ट्राई कर सकते हो। ठीक है, टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ट्राई कर सकते हो, मिलने का चांस ज्यादा है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, मिलने का चांस ज्यादा है। देखो, जिनका भी, ठीक है, 65+ है, वो सिविल प्लस इलेक्ट्रिकल ट्राई, सिविल प्लस सीएससी ट्राई कर सकते हैं। और जिन बच्चों का 60% से प्लस है, ठीक है, वो यहाँ पे ईसीई और इलेक्ट्रिकल ट्राई कर सकते हैं। ये दो ब्रांच, चार ब्रांच आपको ट्राई करना है। जिन बच्चों का 60% से ऊपर है, ये चार ब्रांच ट्राई कर सकते हैं, उनको टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलने का चांस ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल कितने परसेंटाइल पे मिल जाएगा। तो सेम इसका भी वही हाल है कि 1% पे आपको बिहार इंजीनियरिंग में मिल जाएगा, क्योंकि इसका भी सीट वैकेंट रह जाता है। मैं बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज का आपको डाटा बता दूंगा, जहाँ पे कॉलेज में सीट फुल नहीं होते, खाली ही रह जाते हैं। ठीक है, जैसे बांका इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लो, या फिर अरवल इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल में 120 सीट फुल।
होते हैं, मात्र गिन चुन 40 से 30 सीट या 60 सीट फुल होते हैं, 50% सीट बच जाता है। ठीक है, इतना सारा सीट तो किसको मिलेगा, ऑब्वियसली से बात है अगर आप चॉइस फिलिंग में डालते हो तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका अगर इलेक्ट्रिकल में लेना है तो 13,000 तक रैंक है तो आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, कोई ना कोई बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। लेकिन टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना है तो अगर आपके परसेंटाइल 60% है JEE Mains में तो आपको बिहार के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल आप ट्राई कर सकते हो, मिलने का चांस बन सकता है। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स भाई, गर्ल्स की कैटेगरी है, RCG कैटेगरी है जिससे आपका 33% रिजर्वेशन है, और आपका अलग से कैटेगरी भी होगा, BC कैटेगरी होगा, फिर आपका EBC कैटेगरी होगा, ये सब कैटेगरी भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट करेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि चलो ये चारों ब्रांच नहीं मिला तो कौन सा ब्रांच है। मैकेनिकल ब्रांच अगर आपको टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में चाहिए तो मात्र 40% या 30% रहेगा तो आपको टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, ये 100% में की मिल जाएगा। ठीक है, टॉप 10 अगर आपको चाहिए तो 40% है तो मिलेगा, लेकिन आपको मैकेनिकल चाहिए कोई भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में तो 1% भी है तो आपको मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो कम परसेंटाइल पे मिले, बहुत सारे बच्चों में होगा कि भैया ये सही है क्या, मिल जाएगा क्या या नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। देखो एक चीज आप याद रखना, जो उसका जो RCG कैटेगरी है ना जिस पर 33% रिजर्वेशन है, ठीक है, RCG कैटेगरी एक अलग होता है, फिर बिहार सरकार 33% गर्ल्स को रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, गर्ल्स को रिजर्वेशन दिया है जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, कम परसेंटाइल पे भी उनको बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे आप लोगों के बिहार इंजीनियरिंग आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप देखना अपने कि आपका परसेंटाइल कितना था, तो आप ऐसे ऐसे देखोगे कि जिनका 9% था, जिनका 10% था उनको भी कंप्यूटर साइंस मिला, जिनका 20% था, 30% उनको भी 20 मिला, आपका जो 30% वही है। ठीक है, अब आपका इसमें कैटेगरी वाइज भी होता है, SC हो गया, कोई BC हो गया, कोई EBC हो गया, इस कैटेगरी से भी उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है, इनका स्पेशल बनता है, फिर एक RCG कैटेगरी हो गया, इसका भी रैंक हो गया, मतलब कि कैटेगरी भी उनके लिए है, RCG कैटेगरी भी है, 33% रिजर्वेशन भी है, फिर UR रैंक भी है जो बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो इतना डिटेल वीडियो, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप आप सभी को कट ऑफ डिटेल पूरा समझ में आ गया, गर्ल्स का पूरा प्रॉपर कट ऑफ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखना, बाय बाय।